हेलो गाइस, इस वीडियो में सारे वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल लाइफ ऑफ द राइडर्स। तो गाइस, आज का लॉकडाउन डे है 3, क्वारंटाइन डे है 6। सो सुबह से मैंने आज क्या किया, एज यूजुअल मैंने मॉर्निंग में उठा एंड अपने नींद को पूरा कंप्लीट किया अच्छे से एंड 2 आवर्स का जिम किया। 2 आवर्स के जिम के बाद में मैं अपने डैड के साथ थोड़े बहुत मैंने इंडोर्स गेम खेले। फिर आफ्टर दैट मैंने लंच किया। लंच करने के बाद मैं फिर से अपने डैड के साथ गेम खेलने बैठ गया एंड आज मैंने अपने डैड को सिखाया चेस खेलना सिखाया डैड को एंड लाइक ही इज़ वेरी हैप्पी। एंड प्लस मैंने अपने सिस्टर को चेस सिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ट्रस्ट मी, मतलब बहुत डिफिकल्ट है भाई, बहुत डिफिकल्ट है। सॉरी, गुस्से में थोड़ा इधर निकल जाता। सो गाइस, एनीवेज, सो गाइस, उसके बाद मैंने अपने लाइक यूट्यूब पे जो वीडियो देख रही है, मैंने वीडियो अपलोड किया। बिकॉज ये जो वीडियो है, ये वीडियो मैंने रात को 12 बजे बनाया है। डे 3 मीन्स 27 मार्च का ये वीडियो है। एग्जैक्ट जैसे 12 बज जाता है, तो 12 बजे के बाद रात को मैं बैठ के ये वीडियो बनाता हूँ। सो दैट आपको मैं जब पूरा डे ख़त्म हो जाता है, उसके बाद मैं आपको अपडेट दे सकूँ। सो ये वीडियो मैंने अपलोड किया है नेक्स्ट डे 28 को, 27 मार्च का ये अपडेट है। एंड बस ये मैंने किया, मैंने लाइक आफ्टर दैट मैंने वीडियो एडिटिंग करने बैठ गया। फिर आफ्टर दैट वही इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक, उस पर थोड़ा अवेयरनेस स्प्रेड करना वगैरह वगैरह। मेरा एक फेसबुक फैन पेज भी है, अगर आप चाहो तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं लाइफ ऑफ द राइडर्स के नाम से। एंड इंस्टाग्राम भी है लाइफ ऑफ द राइडर्स के नाम पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ट्विटर भी है, बट ट्विटर में इतना एक्टिव नहीं हूँ। एनीवेज गाइस, कुछ पॉइंट है जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा, बहुत फटाफट बताऊँगा। शॉर्ट वीडियो करना, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करना, बिकॉज मुझे डेली वीडियो बनाना होता है। सो गाइस, कुछ रूमर्स स्प्रेड आउट हुए हैं कोरोना वायरस के बारे में। अब वो रूमर्स क्या है, रूमर्स ऐसे हैं कि जब मैंने जब सुना तो मुझे इतनी हंसी आई। मतलब पब्लिक क्रेजी है यार, कुछ भी रूमर्स फैलाती है। मतलब कुछ लोगों का कहना है कि कोरोना वायरस को गार्लिक लहसुन वो खा के आप कोरोना वायरस को बीट कर सकते हैं। अरे भाई, मतलब क्या बोलूँ, मतलब इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स का बेवकूफ बैठे, मतलब हद हो गई यार, हद हो गई। मतलब इतना कौन, मतलब लहसुन छोड़ो जान दो। सो गाइस, ये एक रूमर्स है इस पे। एंड उसके बाद जो सेकंड रूमर्स स्प्रेड आउट हुए वो तो इतना फनी है, मतलब कैन नॉट बिलीव दिस कि ऐसे रूमर्स कौन फैलाता है भाई। मतलब इतने रूमर्स कौन स्प्रेड आउट करता है यार। कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर आप मास्क पहनोगे तो आपको कोरोना वायरस होगा ही नहीं। भाई, मास्क पहनने के बावजूद आपको कोरोना वायरस हो सकता है। इफ यू डू नॉट मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग, इफ यू टच द सरफेस वेयर द वायरस आर देयर, उस पे भी आपको कोरोना वायरस हो सकता है। एंड जो और एक रूमर है जो मैं आपको बताऊंगा, तो शायद आप लोग, कुछ लोग बिलीव करोगे भी या कुछ लोग नहीं भी करो, वो ये कि आपको ठंडे चीज़ें नहीं खानी। यार ऐसा कुछ नहीं है, आप ठंडे खाओ गरम खाओ, आप ठंडे खाओ गरम खाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। आप कुछ भी कर लो, अगर आप अपने आँखों पे या नोज़ के या मुंह के आसपास कहीं भी अगर आप टच करते हो और आपके हाथों में अगर वायरस है, आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हाथ मिला चुके हो या किसी इन्फेक्टेड सरफेस पे हाथ रख चुके हो एंड अगर आपने अपने फेस पे कहीं भी टच किया, तो वो वायरस आपके अंदर चला जाएगा। तो ये जो मिथ है, प्लीज़ इसे बिलीव मत कीजिए। दोस्तों, कोरोना वायरस से रिलेटेड एक छोटी सी खुशखबरी ये है कि जो एज पर जो 25 मार्च को सर्वे हुआ था, उसके अकॉर्डिंग ये पता चला है कि अपने इंडिया के हर 50 लोगों में से एक पॉजिटिव पर्सन, जो 50 लोगों का टेस्ट किया जा रहा है, जो टेस्ट हो रहा है स्क्रीनिंग, उसमें हर 50% में एक पर्सन इन्फेक्टेड है। अगर आप दूसरे देशों से कंपेयर करेंगे तो इटली में वही हर चार पर्सन में एक पर्सन इन्फेक्टेड हुआ करता था, हो रहे थे। एंड ऑस्ट्रेलिया में हर 6 पर्सन में एक पर्सन इन्फेक्टेड हो रहा था एंड यूनाइटेड किंगडम में हर 10 पर्सन में एक पर्सन इन्फेक्टेड हो रहा था। इसका मतलब इंडिया वाकई में कुछ हद तक मतलब कोरोना को कंट्रोल किए हुए है, बट स्टिल अभी भी खतरा टला नहीं है दोस्तों। अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए प्लीज़। नाउ टॉप 5 केसेस ऑफ कोरोना वायरस, जहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस है, वो है महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना एंड यूपी।
वैसे कोई गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ ये है कि पौंडीचेरी एंड उड़ीसा में टेस्टिंग सेंटर बन चुके हैं। ये रहा उसका एड्रेस, ये उड़ीसा के, ये पौंडीचेरी के। सो गाइस, अब इस क्रिटिकल सिचुएशन में अब क्या करें भाई, कोरोना वायरस आ चुका है, लोग उससे बचने के लिए घर में स्टे कर रहे हैं, बट फिर भी बहुत सारे हम लोग न्यूज़ में सुन रहे हैं कि अरे ये पूरी फैमिली इन्फेक्टेड है, अरे वो पूरी फैमिली इन्फेक्टेड है। अब क्या कर सकते हैं यार, मतलब अब अभी आप सोचोगे कि हम तो भी घर में बैठे हैं, अब बाकी लोगों की वजह से हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, उनके वजह से हम लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो गाइस, अपनी इम्यूनिटी को, अपने लाइक हेल्थ पे आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, अपनी हेल्थ को आप थोड़ा सा बूस्ट कीजिए, अपनी इम्यूनिटी पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अब मैं आपको पांच चीज़ें ऐसे बताऊंगा जिससे आप अपनी इम्यूनिटी ग्रो कर सकते हैं। फर्स्ट इज पालक, सेकंड है हल्दी, थर्ड है सिट्रस फ्रूट, मतलब ऑरेंज, ग्रेप्स, मौसमी, नींबू, वैसे टाइप की चीज़ें, देन है पपीता, गार्लिक एंड जिंजर। तो इन सब चीज़ों से कोरोना वायरस मरेगा नहीं, इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। एंड गाइस, आज ही टाइम्स ऑफ इंडिया में एक मुझे मैसेज आया था जिसमें ये मेंशन था कि 25 ईयर्स ओल्ड, मतलब 25 साल का एक लड़का फॉरेन से आया था। अब वो कौन सा कंट्री से आया था मुझे याद नहीं है, शायद दुबई और मेबी शायद अमेरिका, अभी मुझे याद नहीं है नाम। वो बंदा लाइक इंडिया में आने के बाद उसने वेडिंग अटेंड किया था एंड ही वॉज अ कोरोना पॉजिटिव, एंड उस शादी में लगभग 1000 लोग थे। क्या कर रहे हो यार, हद है यार, मतलब क्योंकि आप घर बैठे हैं एंड अगर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो पांच ऐसे मूवीज है जो क्रिकेट लवर्स को पसंद आएंगे, वो मूवीज के नाम मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट इज इनसाइड एज, सेकंड इज क्रिकेट फीवर, थर्ड वन इज बियॉन्ड ऑल बाउंड्रीज, फोर्थ वन इज रोअर ऑफ द लायन, एंड द लास्ट वन इज ब्रेकफास्ट विद द चैंपियन। तो गाइस, ये सारी मूवीज है, अब जो क्रिकेट लवर्स उनको ये सब मूवीज पसंद आएंगे। एंड इसी तरीके से मैं डेली बेसिस पर अगर कुछ ना कुछ ऐसा टिप्स रहेगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करते जाऊंगा कि आप घर बैठे क्या कर सकते हो वगैरह वगैरह। एंड गाइस, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, छींकते वक्त प्लीज हाथों का इस्तेमाल मत कीजिए, हैंडकरचीफ कैरी कीजिए, मास्क है तो अच्छी बात है, बट छींकते वक्त आपको रुमाल यूज करना है, मास्क नहीं, बिकॉज आप मास्क में अगर छींकोगे तो वही वायरस अंदर घुसता रहेगा, वो नहीं, किसी और चीज़ की भी बीमारी होती है वो आपको हो सकता है। एंड दूसरा, हैंड शेक मत कीजिए, नमस्ते बोलिए। कुछ अगर और अपडेट होगा तो मैं आपको बताते जाऊँगा, एंड अगर आपको कोई अपडेट मुझे देना है तो आप मुझे बेझिझक दे सकते हैं। आपके सारे आपके व्यूज़ एंड रिव्यूज़ टोटली वेलकम्ड है। अगर मेरी वीडियोज़ प्रॉपरली नहीं बन पा रहे, कुछ मिसिंग है, तो आप मुझे प्लीज़ इन्फॉर्म कीजिए। एंड हाँ, 900 केसेस क्रॉस हो चुके हैं एज पर 27 मार्च, अभी तो 12 बजा हुआ है, एंड क्योंकि 27 मार्च चला गया है, रात के 12 बज के क्रॉस हो चुके हैं, अब तक 900 केसेस हो चुके हैं, 900 से ज़्यादा हो चुके हैं। तो लेट्स सी कल क्या होता है 28 मार्च को। आई एम प्रेइंग विद द गॉड कि जो काउंट है वो कोरोना वायरस से कम हो जाए एंड रिकवरी के ज़्यादा बढ़ जाए, बट लेट्स सी क्या होता है। बी पॉजिटिव, स्टे होम, स्टे विथ योर फैमिली, एंड यार प्लीज मार्केट में भगदड़ मत मचाओ यार, टूट पड़ रहे लोग मार्केट प्लेसेस में, ऐसा मत करो, मार्केट खुला है पूरे 21 डेज तक खुला है, सो डिसेंसी मेंटेन करो, उतना ही स्टॉक भरो जितनी ज़रूरत है, बिकॉज अगर आप सारे स्टॉक आप ही भर लोगे तो बाकी के लोग क्या करेंगे भाई। दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।